तो ये रहा पार्सल, काफी बड़ा है और काफी हैवी लग रहा है क्योंकि इसमें 5 किलो का सामान। हमेशा अपना जीभ से टेस्ट कर ही जाता है, चाचा का टेस्ट लगता है। तो फिलहाल अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? काटते इसको, इसमें देखते हैं क्या है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप समस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज बहुत जल्दी उठ गए क्योंकि आज मेरे को डिलीवर भैया फ़ोन करके परेशान कर, 3-4 फ़ोन कर दे। वैसे परेशान तो नहीं किए, मतलब उनका काम ही है फ़ोन करना जब मेरा ऑर्डर आ जाता है। तो वो आपको पता ही होगा, 2-3 दिन पहले हम कुछ ऑर्डर किए थे तो वो आ गया है और वो जाना अब लेने के लिए, क्योंकि भैया बोल रहे कि हम 2 मिनट पहुँच रहे हैं। गली के बाहर ही हम बुलाते हैं उनको, तो गली के बाहर जस्ट आने वाले हैं। पर धूप है, अब देखो निकलते फटाक में जाकर आपको पैकेज लेके आते हैं, ठीक है? उसके बाद अनबॉक्सिंग के ऊपर दिखाएंगे कि इस पैकेज में क्या। अगर आप 2 दिन पहले ब्लॉग देखोगे तो आपको पता होगा, और जो नहीं देखो उसके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है? तो गाइज, वो जो पार्सल ऑर्डर किए थे आपको बताइए, कुछ दिन पहले हम ऑर्डर किए थे, वो आ गया है और अभी 11 बजे ही आ गया। वैसे एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि इतना जल्दी आ जाएगा, जाते पिक करते। अब जब सामने गली के सामने ही आता है हमेशा मेरा पार्सल जो भी आता है, थोड़ा उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था तो थोड़ा सा आगे चले गए थे। फिर बुलाया उनको, बहुत धूप है यार, छाँव बैठे हुए हैं, अब जस्ट आ रहे हैं वो। तो ये रहा पार्सल जो एक छोटू सा मिनी सा ट्रक पे आया था, देख रहा देखा वो, देख रहा छोटू सा डिलीवरी वाला टाइप का, उसी से आया था। अब इसको घर लेके चलते हैं। तो ये रहा पार्सल, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी लग रहा है क्योंकि इसमें 5 किलो का सामान है। और इसमें 5 किलो का है क्या, इसको तो अनबॉक्सिंग करके ही पता चलेगा, आपको पता ही है। बिना अनबॉक्सिंग के तो पता चलेगा नहीं, हमको पता आपको नहीं पता ना। तो आपको बताने के लिए थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करेंगे इसको घर पे जाके, बड़ा हैवी है। तो गाइस, ये रहा पार्सल, देखो काफ़ी बड़ा है। और ये जो हमेशा अपना जीभ से टेस्ट कर ही जाता है, चाचा का टेस्ट लगता है, करके बता देगा किसके अंदर क्या है। काफ़ी बड़ा है, देख लो अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं, इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद पता चलेगा। ये देख गधा हुआ, क्या कर रहा है, हट जा साइड, हट जा भाई, इतना बड़ा। और ये देखो बाजू में आके वहाँ से बैठ गए ताकि ये भी देख सके, ये भी अनबॉक्सिंग कर सके मेरे साथ किसके अंदर क्या है। फिर भोंकने, बच्चा भी भोंक रहा है आजकल, बड़ा गुंडा बन गया ये लड़का। तो फिलहाल अभी थोड़ा इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, ठीक है? अभी कुछ देर बाद, अभी नहीं, अभी जस्ट उठे ही हैं, ब्रश वश कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर इसको अनबॉक्सिंग फटाक में कर लेते हैं। तो गाइस, फिलहाल अभी जाना पड़ेगा पीयूष को लाने के लिए क्योंकि उसका बाइक उसके पापा लेके चले गए, तो उसको लाना पड़ेगा, कुछ और काम भी है इसीलिए बुला रहा है। तो फिलहाल उसको चलते फटाक में उसके घर पर, उसको पिक करते आते हैं क्योंकि पापा को भी कहीं जाना है। और इसके जब 1-2 दिन पहले, हाँ 1 दिन पहले साथ ऐसे ही हम बाइक लेके चले गए थे और 9 बजे थे यार, जिस दिन हम लोग को फ़ोन बनाना था उस दिन काफ़ी लेट हो गया था। कभी पापा बोले जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो गाइस, फिलहाल अब जो सुबह में पार्सल आया था उसको अनबॉक्सिंग करने का वक्त आ चुका है, तो अनबॉक्सिंग करते हैं फटाक में, आपको दिखाते हैं उस बड़े से पार्सल में एक्चुअली में था क्या, वैसे है क्या इसमें, ठीक है? वैसे तो मेरे को पता, आपको बताना क्या बस जरूरी है, ठीक है? तो फिलहाल अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? काटते इसको, इसमें देखते हैं क्या है। आप सबको तो पता ही होगा क्या है वैसे। तो गाइस, ये देखिए पेंट का डब्बा, पेंट का डब्बा। तो गाइस, ये रहा इसमें बड़ा सा पेंट का डब्बा, इसे हम पेंट मंगाए थे, घर में पेंट करना था थोड़ा सा, ठीक है? इसलिए इतना बड़ा पेंट का डब्बा मंगा दिए। एक्चुअली ये पेंट का डब्बा नहीं है, ये है वेट गनर, ठीक है? जींसी का वेट गनर है 5 kg का, देख लो, ठीक ना? 5 kg वेट है, इसीलिए इतना बड़ा डब्बा हमको दिया हम लोग को। अब इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देख तो पहले एक काम करते रखो, पहले ये वाला QR कोड कुछ देता है यहाँ पे क्या, जीएनसी का चेक करने के लिए एक बार कहीं QR कोड देखो ना, कहीं QR कोड चेक करके देता है क्या, तो कर लो ना एक बार। आज इस QR कोड को स्कैन करने के बाद, देख रहे हो, इस QR कोड को स्कैन करने के बाद जस्ट मेरा व्हाट्सएप पे हो गया और यहाँ पे देखो, हेलो जीएनसी, आई वांट टू वेरीफाई योर प्रोडक्ट, वेरीफाई कर दिया। और ये देखो, ये बोल रहा है कि है, क्योंकि स्टेप इतना इतना दो, मतलब सारा बता रहा है कि कैसे स्कैन करके आपको पता चल जाएगा कि वेरीफाई है। देख लो जीएनसी का खुद अपना ऑफिशियल नंबर जो भी हो है यहाँ पर सारा चीज़, देख लो। अब इसको फटाक दिन खोलते हैं, वेट नहीं हो रहा, चलो खोल स्टॉप देखो। तो गाइस, फिलहाल यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिया, देखो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, इसको ऐसे दबा लो, टूट गया, ठीक है? अब ये टूट गया, उसके बाद में यहाँ से खुल जाएगा डब्बा अपना मस्त, ये। तो ये रहा इस बड़े से बाल्टीन में हमारा वेट गेनर, ठीक है? जीएनसी का देख लो, इसको स्कूप दिया हुआ उसमें, क्या क्या पता नहीं क्या क्या है, इसको खोल के दिखा। ये देखो, ये 5 kg का है सारा, गजब से लग रहा है ना, अजीब से नहीं लग रहा है।
वहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे कोड भी दिया, आप जीएनसी के वेबसाइट पर जाके स्क्रैच हेयर देख रहे हो ना, वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हो स्कैन करके, उसको डाल के सब चीज़ चेक कर सकते हो जेन्युइन है कि नहीं। तो ये रहा वेट गेनर जीएनसी का, ये हम लोग ऑर्डर किए थे, ठीक है। अब इसको फटाक इसका शेक बनाते हैं। वैसे डबल चॉकलेट है, देख लो, डबल चॉकलेट वेट ऑर्डर किए थे, काफ़ी टेस्टी लगता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से फटाक शेक बनाते, पीते और फिर जिम निकलते हैं। ये जो बोरा टाइप का दिया हुआ था पता नहीं क्या, उसको ओपन कर दिया हम लोग। अब इसको पूरा इसमें डाल देंगे, ठीक है, पूरा खोल के इसी में गिरा देंगे। हाँ इसी लगा, सही बात है, ऐसे बेस्ट रहेगा, नहीं गिराना ही नहीं। अब लगा 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 दे बढ़िया से, तो जैसे ही काम आएगा आराम से स्कूप स्कूप निकालते रहेंगे। तो गाइस ये देखो, ये एक कप देख रहे हो कितना बड़ा कप है, ये कप एक सर्विंग के लिए, वैसे एक कप हम दो सर्विंग के यूज़ करेंगे, समझ में आया, नहीं तो पगला हो पीपी के कुछ ज़्यादा मोटा। यही देखो, ये अपने फिराक में इसको भी चाहिए। अबे तुम्हारे लिए नहीं बेटा, जब तुम पीने के लिए तुम एकदम मुँह में पानी आ रहा है तुम्हारे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, हम लोग के लिए, ठीक है। तो गाइस फिलहाल अभी हम जस्ट जिम से घर आए हैं और अब फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, क्योंकि जितना मतलब कि जल्दी आए उतना जल्दी सारा काम फिनिश कर ले तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। और मतलब क्या टेस्ट है यार डबल चॉकलेट का, मतलब जो जीएनसी का हम जो वेट गेनर मंगाए हैं उसको टेस्ट किए उस वक्त, मतलब जिम के जाने से पहले ही टेस्ट किए थे, इतना अच्छा है, मतलब बता नहीं सकते, काफ़ी अच्छा लग रहा था, चॉकलेट टाइप का लग रहा था, डबल चॉकलेट अच्छा है मतलब, पर ज़्यादा ही मीठा लग रहा था, हमको उतना मीठा पसंद नहीं है। तो गाइस खाना पीना कंप्लीट हो चुका है और ब्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका है, ब्लॉग को ही एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करो और शेयर करो, सबको शेयर करो अगर पसंद आए तो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो जो सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। चलो बाय, लव यू, टेक केयर। फिर ऊपर ले लिया, फिर बगला की तरफ बोल रहे हैं, फिर वीडियो करना पड़ेगा, देख रहे थे हम, सकल देख रहे हैं ना, फिर तो बोले वीडियो मत।